आज की वीडियो का विश्लेषण क्या होगा? आज के दिन अगर आप आंकड़ा देखोगे तो लार्ज कैप इंडेक्स में फिर से दबाव देखने को मिला। कल की बात करें तो कल भी यहाँ पे लार्ज कैप और स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में दबाव देखने को मिला था, लेकिन आज कुछ अलग आंकड़ा है। लार्ज कैप में गिरावट है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप यहाँ पे थमता हुआ देखने को मिला है। इट मीन्स कि स्मॉल कैप और मिड कैप के इंडेक्स में हमें पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिला है। हम जानेंगे कि क्यों आज स्मॉल कैप और मिड कैप का आंकड़ा हमें पॉजिटिव देखने को मिला है और आने वाले समय में कैसे स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड में रिटर्न कम देखने को मिल सकता है। आज के वीडियो में हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पे ही चर्चा करेंगे, तो जानेंगे कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न आने वाले समय में कैसे कम होने का चांसेस बन सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सलूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना हो, एक नया पोर्टफोलियो किसी पर्टिकुलर गोल के लिए आपको तैयार करना हो, अगर आप लमसम कॉल एडवाइस चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डिटेल को चेक करके और आप जुड़ सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के दिन का मार्केट का क्या आंकड़ा रहा उसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो सेंसेक्स में 0.55% का दबाव देखने को मिला। वैसे ही अगर BSE स्मॉल कैप का आंकड़ा देखें तो 0.59% पॉजिटिव आंकड़ा है। वैसे ही BSE मिड कैप का आंकड़ा देखें तो 0.18% का पॉजिटिव आंकड़ा है। ईरान और इसराइल के बीच में टेंशन बढ़ रहा है, उसका असर हमें मार्केट पे देखने को मिल रहा है। कल के दिन जो देखने को मिला, लार्ज कैप भी 1% के ऊपर टूटा था, स्मॉल कैप और मिड कैप का भी आंकड़ा करीबन 1.5% के ऊपर का गिरावट देखने को मिला था, लेकिन आज का दिन कुछ आंकड़ा अलग देखने को मिला है। लार्ज कैप नेगेटिव है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप पॉजिटिव है। चलिए समझते हैं कि इसके पीछे क्या पॉइंट है। देखो, अगर देखा जाए तो यहाँ पे मार्च 2024 का स्ट्रेस टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। फरवरी 2024 में यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रेस टेस्ट आया था और अब ये दूसरा स्ट्रेस टेस्ट है स्मॉल कैप और मिड कैप के म्यूचुअल फंड को लेके। और कई ऐसे म्यूचुअल फंड हैं, जी हाँ, स्मॉल कैप और मिड कैप में उसमें लिक्विडिटी के मामले में कुछ फंड में रिस्क हमें काफ़ी कम देखने को मिला है। और ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ है इसके चलते कुछ यहाँ पॉजिटिव सेंटीमेंट्स इन्वेस्टर के साइड से देखने को मिला है। आज जो मैं आपके सामने आंकड़े रखूंगा वो सिर्फ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा रखूंगा। आज मैं आपके सामने ये भी डाटा रखूंगा कि फरवरी 2024 का स्ट्रेस टेस्ट का जो रिजल्ट था और मार्च 2024 का जो स्ट्रेस टेस्ट का रिजल्ट था, उन आंकड़ों में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिला है, कितना इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। चलिए आपके सामने मैं डाटा रखता हूँ, आपके सामने मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का सिर्फ डाटा रखूंगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये डाटा जो है वो मार्च 24th का डाटा है। इट मीन्स 2024 के मार्च अदर साइड आप आंकड़ा देख रहे हो, ये फरवरी 2024 का आंकड़ा है। यहाँ पे जो आंकड़ा आप देख रहे हो, अगर मैं सबसे पहले निपोन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ, सबसे ज़्यादा AUM के साथ है। अगर 50% पोर्टफोलियो का यहाँ पे लिक्विडिटी एबिलिटी की बात करूँ तो करीबन 29 डे यहाँ पे लग, 25% को लेकर यहाँ पे 15 दिन का समय लग सकता है। अगर मैं आंकड़ा देखूं तो सबसे पहले फरवरी 24th में ये 27 दिन का आंकड़ा था 50% का और 13 दिन का आंकड़ा था 25% का, जो कि अगर हम देखें लिक्विडेशन डेट चेंज, इट मींस कि डेट बढ़ा है, आप देख सकते हो। दूसरा, जो HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं जो सबसे ज़्यादा AUM के साथ है, यहाँ अगर हम आंकड़ा देखें तो 44 डेज लग रहा है। जी हाँ, 50% पोर्टफोलियो का जो लिक्विडिटी एबिलिटी की बात करूं और 25% के यहाँ पे 22 दिन का समय लग रहा है। यहाँ पे आपको पहले जो समय लग रहा था फरवरी 24th का जो स्ट्रेस टेस्ट आया था उसमें 42 डेज का लग रहा था और 25% में 21 दिन का लग रहा था, ज़्यादा समय लग रहा है फरवरी के स्ट्रेस टेस्ट से। यहाँ पे जो अभी जो स्ट्रेस टेस्ट आया है उसका जो लिक्विडिटी का डेज है वो ज़्यादा बढ़ा है, इसीलिए यहाँ पे माइनस में आपको परसेंटेज देखने को मिल रहा है। ठीक, अगर मैं SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ, थर्ड लार्जेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड AUM के साथ यहाँ पे देख सकते हो 25,000 करोड़ का AUM है, यहाँ पे 58 डेज लग रहा है। जी हाँ, 50% पोर्टफोलियो की बात करें तो और 25% पोर्टफोलियो की बात करें तो 29 डेज लग रहा है। यही आंकड़ा अगर मैं फरवरी 2024 का देखूँ तो 60 दिन लग रहा था 50% पोर्टफोलियो के लिए और 30 दिन 25% पोर्टफोलियो के लिए लग रहा था। इट मीन्स कि यहाँ पे डेज कम हुए हैं और इससे अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो रिस्क यहाँ पे कम हुआ है कंपेयर टू जो फरवरी 2024 में जो स्ट्रेस
यहाँ पे देख सकते हो 3.3% यहाँ पे डेट चेंज हुआ है और यहाँ पे आपको प्लस में डाटा देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ रिस्क थोड़ा कम हुआ है अगर हम फरवरी का स्ट्रेस टेस्ट से कंपेयर करें तो। क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ, फोर्थ लार्जेस्ट एयूएम के साथ जो ये फंड है, यहाँ पे 20 दिन का समय लग रहा है 50% पोर्टफोलियो के लिए और 10 दिन का समय लग रहा है 25% पोर्टफोलियो के लिए, जो कि यहाँ पे अगर फरवरी 2024 का आंकड़ा देखें तो उससे कम लग रहा है। पहले 50% के लिए 22 और 10% के लिए 11 डेज लग रहा है, तो यहाँ भी 9 से 10% रिस्क के मामले में कमी देखने को मिला है। डेज कम हुआ है तो रिस्क भी कम होता हुआ देखने को मिला है। कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो यहां पहले 34 दिन का समय था 50% पोर्टफोलियो के लिए, जो कि पहले अगर आप देखोगे तो 33 दिन का था। यहां पे डेज बढ़े हैं, इट मींस कि रिस्क भी बढ़ा है, जो कि आपको माइनस में परसेंटेज देखने को मिल रहा है। वैसे ही HSBC स्मॉल कैप फंड की बात करूं, जो कि मार्च 2024 में 14 दिन लग सकते हैं 50% पोर्टफोलियो पे, अगर आप देखोगे तो पहले 15 दिन का समय था, इट मींस कि डेज कम हुए हैं और यहां पे रिस्क भी घटा है। वैसे ही DSP स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो यहां पे 32 दिन का समय लगा आंकड़ा देखूं तो, जबकि अगर मैं फरवरी का स्ट्रेस टेस्ट देखूं तो 32 दिन का समय लग रहा था। यहां के तो कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए यहां पे 0% आपको आंकड़ा देखने को मिल रहा है। वैसे ही फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज की बात करूं तो आज के हिसाब से मार्च 24 में जो लास्ट स्ट्रेस टेस्ट आया उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग 13 दिन का समय लग सकता है 50% पोर्टफोलियो के लिए, जो कि पहले 12 दिन का समय था। इट मींस कि यहां पे रिस्क बढ़ा है और इसलिए आपको यहां पे नेगेटिव परसेंटेज देखने को मिल रहा है। वैसे ही कैनारा को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं, आज की डेट में अगर हम देखें तो 8 दिन लग सकते हैं 50% पोर्टफोलियो के लिए और 4 दिन लग सकते हैं 25% पोर्टफोलियो के लिए। अगर देखा जाए तो पहले जो फरवरी में स्ट्रेस टेस्ट आया था उसमें 14 दिन का समय लग रहा था 50% पोर्टफोलियो के लिए। इट मींस कि आंकड़ा अगर देखोगे, इस म्यूचुअल फंड ने अपना रिस्क जो है वो काफ़ी मिनिमाइज किया है और इसीलिए आपको यहाँ पे 42% का चेंजेस देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव देखने को। यहाँ इसे प्रूडेंशियल स्मॉल के फंड की बात करूँ तो यहाँ पे 11 दिन का समय लग रहा है 50% पोर्टफोलियो के लिए, जो कि पहले 10 दिन का समय था। इट मीन्स कि डेज बढ़े हैं, यहाँ रिस्क भी। मैं अगर टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ, आज के हिसाब से मार्च जो लास्ट आपको स्ट्रेस टेस्ट देखने को मिला है उसका जो आंकड़ा है उसमें 29 डेज का लग रहा है 50% पोर्टफोलियो के लिए, जबकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहले फरवरी में जो स्ट्रेस टेस्ट आया था उसमें 35 दिन का समय लग रहा था और यहाँ पे देख सकते हो आंकड़ा पॉजिटिव है 17%। इट मीन्स कि यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम हुआ है। ये जो आंकड़ा है, मैं जो ये आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर डेज में इंप्रूवमेंट हुआ है 50% पोर्टफोलियो के लिए, जो यहाँ पे 10 दिन का समय लग रहा था वो 5 दिन का समय लग रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे डेज में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। लिक्विडिटी के मामले में काफ़ी जल्दी पैसा मिल सकता है तो यहाँ पे रिस्क भी कम होगा, तो उसके हिसाब से ये आंकड़ा आपके सामने है। तो टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ये 17% का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पे डेज में काफ़ी चेंजेस हुए और इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। आदित्य बिरला सनलाइफ स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो ये 9 दिन का समय लग रहा है यहाँ पे 50% पोर्टफोलियो का। अगर लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी की बात करूं तो, और जो पहले की 10 दिन का था, यहाँ भी डेज में इम्प्रूवमेंट हुआ है, 1 दिन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है और यहाँ पे पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिल रहा है। देखो वैसे ही जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो जितना कम AUM होगा फंड का, उतना कम डेज में वहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल होगा। और वाकई में अगर आप देखोगे तो कई ऐसे फंड हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, कई ऐसे फंड हैं जिसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है डेज के मामले में, और कई ऐसे फंड हैं जिनका यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट, इट मीन्स कि रिस्क और ज़्यादा बढ़ा है। अगर मैं सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की बात करूँ कि परसेंटेज वाइज कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, तो आंकड़ा साफ है कैनारा आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप देख सकते हो इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा हुआ है, 42% का चेंज हुआ है। यहाँ पे रिस्क काफ़ी कम देखने को मिला है। जो भी मैं आपके सामने ये डाटा रखा हूँ, जी हाँ, इन आंकड़ों में आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि कुछ म्यूचुअल फंड का इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड ज्यों के त्यों, जी हाँ, जो फरवरी 2024 का आंकड़ा है वो भी मार्च 2024 में वही आंकड़ा देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ फंड्स में यहाँ पे डेज के मामले में, जी हाँ, रिस्क बढ़ा है। और सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है कैनरा आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ, टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ, क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी है। देखो जितना यहाँ पे रिस्क कम होगा ऐसे म्यूचुअल फंड में, लिक्विडिटी के मामले में जितना धीरे धीरे कम समय यहाँ पे लगेगा,
वैसे वैसे रिटर्न्स भी कम होने के चांस पड़ सकते हैं। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी को लेकर डेज कम लग रहे हैं और धीरे धीरे वहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, इट मीन्स कि 2 से 3 चांसेस है, या तो फंड मैनेजर वहाँ पे लार्ज कैप के एलोकेशन को इंक्रीज कर रहा है, दूसरा ये भी चांस हो सकता है कि वैसे स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स में पैसा लगा रहा है जहाँ पे इजीली स्टॉक्स को कभी भी बेचा जा सके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कैश होल्डिंग परसेंटेज को यहाँ पे फंड मैनेजर इंक्रीज कर रहा है, और ये तीनों स्थिति में तो रिटर्न पे असर पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर लार्ज कैप बढ़ाओगे तो लार्ज कैप जितना ज़्यादा आप बढ़ाओगे रिटर्न भी आपको धीरे धीरे कम देखने को मिलेगा, और अगर कैश होल्डिंग परसेंटेज भी अगर आप ज़्यादा रखोगे तो पैसा जब इन्वेस्ट ही नहीं होगा तो इन्वेस्टर को पैसा ज़्यादा बनता हुआ कैसे देखने को मिलेगा। मान लो अगर आप 100 रुपये लगा रहे हो और कैश होल्डिंग 15% के करीब में है, तो आपका 15 रुपये तो कैश होल्डिंग में चल रहा है, आपका 85 रुपये ही मार्केट में इन्वेस्ट है। तो जितना ज़्यादा कैश होल्डिंग होगा एग्जैक्टली उतने पैसे पे तो कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, और ओवरऑल रिटर्न वहाँ पे कम होने का चांस बढ़ेगा। जैसे कि मैं अगर एक आंकड़ा रखूँ, क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो लार्ज कैप का एलोकेशन था फरवरी 2024 का आंकड़ा देखूँ, तो वो 26% का लार्ज कैप का एलोकेशन था, लेकिन आज की स्थिति में देखोगे तो करीबन 30% के ऊपर का लार्ज कैप का एलोकेशन है। तो इट मीन्स कि लार्ज कैप का एलोकेशन बढ़ा के यहाँ पे लिक्विडिटी का जो डेज है उसमें वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में रिटर्न पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, रिटर्न धीरे धीरे कम हो सकता है। अब इन आंकड़ों के साथ मैं आप पे छोड़ता हूँ। जी हाँ, आप इन आंकड़ों के साथ अपना एक रिसर्च तैयार कर सकते हो और एक अपना डिसीजन बना सकते हो। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक शेयर तभी स्टार्ट करें, फिर लेकिन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।